राधे कृष्णा राधे कृष्णा। मैं एक शानदार टिप्स लेके आया हूँ जो अपन कभी कभी एक्चुअली में उसको ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, तो वो क्या रहा है कि अपने पैरों में अक्सर झुनझुनी क्यों होती है, उसका राज बताने जा रहा हूँ। वो अपने पैरों में ही छुपा हुआ है तो वो क्या राज है और किस वजह से झुनझुनी होती है अपने पैरों में, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि वो क्या है। वो इस तरह से होती है, एकदम से अपने पैरों में झुनझुनी होती है। और एक्चुअल में क्या होता है, अपने पैरों में झुनझुनी होती है तो वो बहुत स्पीड से होती है, और उसका राज यह है कि अपन बहुत सी देर तक अचेत तरीके से बैठे रहते हैं, इसलिए वो झुनझुनी होती है। तो झुनझुनी, अब इसमें क्या होता है कि अपन जैसे लेटे होते हैं तो तभी भी होता है, और एकदम से अचेत तरीके से बहुत देर तक बैठे रहने से फिर भी होता है। तो इसका क्या है कि अपन फिर उसको हिला डुला के उसको सही कर लेते हैं तो वो सही हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अपनी पैरों की नसें दब जाती है, तो दबने से उसको क्या गैस नहीं मिल पाती है, गैस नहीं मिलती है तो ये झुनझुनाहट हो जाती है। इस वजह से ये परेशानी होती है, और इस परेशानी से कोई टेंशन लेने का कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका यही राज है कि अपन बहुत सी देर तक बैठे रहते हैं अच्छे तरीके से, चाहे वो लेटे रहो, चाहे कोई भारी सामान पकड़ रखे हो, चाहे अपन एक तरीके से बहुत सी देर तक अपन एक जगह खड़े रह जाते हैं। तो ये नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए और नॉर्मल तरीके से बैठना चाहिए, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है इस तरीके से। और फिर अपन झुनझुनाहट होती है उसके बाद में अपने दिमाग को पता चलता है, तो फिर एकदम से वो झुनझुनाहट को अपन दिमाग तेज़ होता है, तेज़ होने के बाद में झुनझुनाहट एकदम से तेज़ होगी, तेज़ होने के बाद में फिर एकदम से नॉर्मल हो जाएगी। अपन इलाइनर लगाएंगे, इलाइनर लगाने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो वो इसका यही है कि उसको सही तरीके से गैस नहीं मिलती है, गैस नहीं मिलने के कारण ये प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इसका क्या राज है और क्या नहीं है। अपन अच्छे तरीके से रहते हैं ना बैठे, इसलिए होता है ये, और बाकी इसका कोई कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए अपन कई बार ऐसे होता है दिमाग पर जोर पड़ता है कि क्या मालूम किस वजह से हो रही है, क्या कोई परेशानी है, क्या कोई समस्या है, तो इसका कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कि दिमाग। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।